भी आ जाएगा, ये पुल से जाना पड़ेगा शायद, नहीं है ऊपर से लोग जा रहा है तरह। आप सभी को पता है कि जो काउंसलिंग और मैचिंग प्रोसेस बोला जाए, काउंसलिंग या मैचिंग प्रोसेस दोनों में से कोई भी बोला जाए, चल रहा है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स प्लस नेपलीज का स्कॉलरशिप वाला चल रहा है। तो देखिए, नेपलीज के लिए तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आप मुझसे जो भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन टोटली हेल्प करने के लिए आपके एनी टाइम अवेलेबल हूँ। आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेरी होता। और इंडियन के लिए जो ऑफलाइन मैचिंग प्रोसेस है, उसमें भी मैं आप लोगों को जो फॉरेन बोला जाए, इंडियन की नहीं फॉरेन की बोला जाए, तो उसमें भी मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। एनी टाइम आप कुछ भी आपको क्यूरी होगा वो मुझे व्हाट्सअप दिखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग को सभी को पता है कि जो आपका ऑफलाइन मैचिंग होने की वजह से आप सभी को यहाँ पर आना है, मीन्स फिजिकली प्रजेंट होना है यहाँ पर काठमांडू में, और मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस में जाना है। तो 23 जून को आपको रिपोर्ट करना है 8:30 में मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस में। तो उससे पहले तो आपको आना पड़ेगा। तो आज 21 हो गई और कल 22 हो जाएगा, परसों 23 हो जाएगा, मीन्स परसों आप लोगों का फाइनली काउंसलिंग है। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चा अभी तक काठमांडू नहीं आए हैं, वो कोशिश करे एट एनी कोस्ट कल की शाम तक यहाँ पर काठमांडू में रहने के लिए। इसमें कोई देखे दोस्तों, आपको ये सोच रहा है ये बंदा क्यों बोल रहा है इस तरह, हम लोग अगर फ्लाइट पकड़ेंगे सुबह में 6 बजे की 23 को, तो हम लोग पुगी जाएंगे ना जनकपुर से या विराटनगर से या सिंगरा से या नेपालगंज से, कोई भी नियरेस्ट बॉर्डर से फ्लाइट पकड़ेंगे तो काठमांडू पुग जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, पुगने के लिए पुग सकते हैं आप, आने के लिए भी आ सकते हैं, या कुछ भी तरह से आए आप आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है ना दोस्तों, अगर आप बाय द मिस्टेक कहीं भी आप फंस गए, नहीं आ पाए, तो मेडिकल एजुकेशन ने साफ साफ अपने नोटिस में मेंशन कर दिया है कि आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो फाइनली आपको नहीं लिया जाएगा, नहीं आने को बाद में, जैसे कि जो भी डेडलाइन टाइम है वहाँ पर, डेट नहीं टाइम है, उस टाइम के अंदर जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप वहाँ पर जाकर भी रोएंगे धोएंगे फोएंगे कुछ भी करेंगे तो आपको वहाँ पर शामिल नहीं कराया जाएगा मैचिंग में। सो फाइनली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 23 तक आ जाइए। और उसके साथ साथ जो भी बच्चा फॉरेन के मैचिंग प्रोसेस में आ रहे हैं ऑफलाइन मैचिंग में भाग लेने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होकर, उन लोगों को तो मैं ऑनलाइन हेल्प ही कर रहा हूँ, एनी टाइम अवेलेबल हूँ, जब भी करो यार। रात में सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी का फोन मैसेज आ रहा है, और सच में आ रहा होता है, उसी जब जगता हूँ तभी रिप्लाई करता हूँ। अगर आप नहीं होंगे तो कभी ट्राई कर लेना, जब जगेंगे तभी रिप्लाई करेंगे, उसमें नो प्रॉब्लम नो डाउट। 24 आवर्स भी कि वन मैन आर्मी जैसा खट्टा हूँ, भला कि आर्मी नहीं हूँ। तो उसी लिए अगर ऑफलाइन आए हैं तो आप काठमांडू में फिजिकली मीट कर भी, मुझसे मिलकर भी आप अपना जो भी क्वेरी है वो फेस टू फेस बात कर भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि फोन पर सारे बातें हम नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइवेसी का भी होता है और बहुत सारे जो मिस यूज करते हैं उसके भी, वो सारे रीजन की वजह से मैं आपको फोन पर सारी चीज डील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप फिजिकली मिलना चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, कोटेश्वर में मैं रहता हूँ, आप आकर कोटेश्वर में भी मिल सकते हैं। अगर आप आ नहीं सकते, नहीं देखे ट्रैवल एजेंट, तो उस कंडीशन में अगर विशेष परिस्थितियां होगी आपकी, तो हम लोग भी आपके पास रीच आउट करके हेल्प करेंगे। लेकिन एट एनी कॉस्ट आपको, हमारा मोटिव है आपको हेल्प करना और आपसे मेरा पहचान बढ़ाना, ताकि आप जाए कॉलेज में तो बोले कि मैं अभिषेक यादव के थ्रू आया हूँ, अभिषेक यादव को जानता हूँ। आज गए थे KVS में से एक बच्चे से मिले, बहुत खुशी लगा, भला कि मैंने लास्ट ईयर 15 बच्चे को वहाँ पर एडमिशन दिलाया हूँ, लेकिन बल्कि एक ही बच्चे ने पहचाना मुझे, बहुत खुशी लगा, काफ़ी इंटरेस्टेड, बहुत हैप्पी फील हुआ जब उन्होंने देखा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पहचाना और वो रिस्पेक्ट दिया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आप ऑनलाइन मैचिंग मिलना चाह रहे हैं तो आप जरूर आकर मिल सकते हैं ऑफलाइन, या जो भी आपका क्वेरी है वो ऑनलाइन पूछ सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। डेस्टिनेशन फॉर मेनी ऑफ अस, इट इज एफिलिएटेड टू काठमांडू यूनिवर्सिटी। देयर आर टोटल ऑफ 100 सीट्स, आउट ऑफ व्हिच 20 आर एलोकेटेड फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, 30 आर फॉर पेइंग कैटेगरी, एंड 50 सीट्स आर फॉर फॉरेन कैटेगरी। It is one of the best medical colleges in Nepal and has been able to leave an undeniable impression in past decades. Welcome to Chitwan Medical College, a home to thousands of national and international students. Equipped with state-of-art infrastructures, Chitwan Medical College is one of the best medical colleges in Nepal. We have world-class labs and libraries.
practical education is our priority. Hostels are a home away from home. We make sure your stay at CMC is peaceful and comfortable.